हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकमैटर्स चैनल। आज हम लोग एंडमिल ग्राइंडर पे थ्री फ्लूट एंडमिल रीशार्पनिंग करना सीखने वाले। दिस इज थ्री फ्लूट एंडमिल। ओके, सबसे पहले हम लोग पॉलेट चक लेंगे। दिस इज पॉलेट चक। ओके, अभी हम लोग का जो एंडमिल है डेट इज 12 mm, उसके लिए हमें 12 mm का पॉलेट सिलेक्ट करना है। ओके, ये कॉलेट चक में फिट करना है लाइक दिस। उसके बाद मशीन के ऊपर सेटिंग फिक्स्चर दिया हुआ है, इधर उसको माउंट करना है। वन नंबर जो कॉलेट चक पे लिखा हुआ है वो इट शुड बी इन फ्रंट, ये सामने दिखना चाहिए। दिस इज वन नंबर। ओके, यहाँ पे हम लोग 12 mm सेट करेंगे। इसको जब हम लोग रोटेट करते हैं तो ये जो मूव करता है ये हम लोग 12 mm पे लेके आएंगे। दिस इज 12 mm। ओके, अभी हम लोग अपना एंडमिल इसमें डालेंगे, इसको प्रॉपरली क्लॉकवाइज फिट करना है। ये क्लॉकवाइज लॉक होगा, क्लॉकवाइज राउंड करने के बाद इसको हम लोग लॉक करेंगे। इसको प्रॉपरली लॉक करना है। एक बार फिर से चेक कर लेंगे हम लोग, शुड बी डन प्रॉपरली। इस तरह से इसको लॉक करना है। ये हमारा लॉक हो चुका है। यहाँ पर हमने इसको फिट कर लिया। नाउ वी विल डू फेसिंग। फेसिंग करने के लिए इधर दिया हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले नंबर वन, ये नंबर वन है, इसको फ्रंट साइड में लेना है, मशीन ऑन करना है और इसको इसके अंदर। जब तक साउंड आ रहा है वो रिग्राइंड करना है। साउंड बंद, रिग्राइंडिंग डन। ये हमने वन किया। इसके बाद हमको करना है नंबर थ्री। थ्री नंबर साइड लेना है, इसको इसके अंदर प्रेस करना है। इसके बाद फाइव नंबर लेना है, दिस वन। फेस हो चुका है, अभी हम लोग प्राइमरी रिलीफ बनाएंगे। यहाँ पे डिग्री सेटिंग दिया है, सबसे पहले हम लोग जीरो पे सेट करेंगे उसको, जो हमने जीरो पे किया। और हम फोर नंबर हम फ्रंट में डालेंगे। इसके बाद सिक्स नंबर हम लोग इसमें डालेंगे, सेम वे। वापस हम लोग डिग्री चेंज करेंगे, अभी हम लोग डिग्री करेंगे 180। नंबर टू को फ्रंट में डालेंगे। ये हमने रिलीफ एंगल क्रिएट किया है। ठीक है, इसके बाद अभी हम लोग इसको गलेट बनाएंगे। सो इसके लिए दिस वे, यहाँ पे सबसे पहले टू नंबर इसके साथ मैच करेंगे।
बच्चों को भेजते थे मेरे पास। टू नंबर किया, अभी हम लोग फोर नंबर कर रहे हैं। बाद सिक्स नंबर करेंगे। ये थ्री फ्लूट एंड मिलीग्रेन हो चुकी है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स चैनल। मेरा नाम है मयूर और आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू ग्राइंड एंड मिल फोर फ्लूइड्स। तो ये जो है इजी मेक ब्रांड का एंड मिल रीशार्पनिंग मशीन है, जिसका रेंज है 4 mm से लेके 20 mm तक। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, एक फिक्सर दिया हुआ है। ये फिक्सर में 4 mm से लेके 20 mm तक मेंशन किया हुआ है ये स्केल पे। और उसी के साथ आता है ये कॉलेट चक्स, कॉलेट जो है रेंज है 4 mm से लेके 20 mm तक। तो हम आज रीग्राइंड करने वाले हैं 10 mm का एंड मिल और वो है 4 fluid। तो हम सबसे पहले लेंगे कॉलेट चक और 10 mm का कॉलेट। हमें ये कॉलेट फिट करना है ये कॉलेट चक में इस तरीके से, और आप बस एक 2 से 3 थ्रेड एंगेज कर लीजिए। उसके बाद आपको जाना है ये फिक्सर के पास। फिक्सर में 4 mm से लेके 20 mm तक ये स्केल पे मेंशन किया हुआ है। तो हमें ये जो लाइन है ये फिक्सर का, ये लेना है 10 mm तक, क्योंकि हमारे पास 10 mm का रीग्राइंड करना है। जैसे आपका एंड मिल होगा जो डायमीटर का, आपको यहाँ पे ये सेट करना है। और आप कॉलेट चक पे देख रहे हो यहाँ पे नंबरिंग किया हुआ है 4, 3, 2, 1। तो हमें 1 नंबर जो है ये आगे रखना है और ऊपर से एंड मिल हमें डालना है। और जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने ये 4 में से 1 फ्लूइड लॉक किया है यहाँ पे नीचे, और वो लॉक करने के बाद आपको इसे ऊपर से प्रेस करना है और क्लॉकवाइज घुमा के इसे लॉक करके रखना है और यहाँ पे ये टाइट करना है। इंश्योर कर लीजिए कि ये प्रॉपरली टाइट हो चुका है। उसके बाद निकाल के आपको बस एक चेक करना है कि ये जो लाइन्स है फ्लूइड्स के क्रॉस में, ये इसके शोल्डर्स को पैरेलल चाहिए। ये एक बार इंश्योर करने के बाद आपका प्रॉपरली एंड मिल कॉलेट चक में फिट हुआ है। ओके, इसके बाद हम करेंगे फेस, उसके बाद गले, 2 कनेक्ट 2 डिसकनेक्ट, और उसके बाद पीछे का चैम्फर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, अब मैं सबसे पहले करूँगा फेस। तो यहाँ पे होल दिया हुआ है जैसे कि आप देख रहे हो, ये होल में हमें चारों फ्लूइड्स फेस करना है। जब तक री ग्राइंडिंग का आवाज आता है तब तक हमें ये पुश करके रखना है। ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ सेकंड, थर्ड और लास्ट में फोर्थ। अभी मैंने यहाँ पे किया है फेस। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फेस हमने कर लिया है। फेस करने के बाद हमें करना है गले एंगल, जो यहां से हम करेंगे। आपको यहाँ पे 2 चीजें करना है। फर्स्ट कि जो यहाँ पे नंबरिंग दिया हुआ है, तो हम 4 और 2 जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है वो हमें करना है 0 degree पे। यहां पे आप देख रहे हो 0 degree, और 3 और 1 नंबर जो है हम वो करेंगे 180 degree पे। तो हमें ये रोटेट करना है 180 degree। ओके, तो मैं आपको करके दिखाता हूं। तो पहले 0 पे हम करेंगे 2 और 4। यहां पे डोवेल पिन दिया हुआ है, आपको क्लोज टू ये शोल्डर आपको यहां से प्रेस करना है। देखिए
क्लोज टू यहां से आपको प्रेस करना है। उसके बाद दो नंबर मैंने कर दिया, अभी आपको करना है चार नंबर। अभी हम तीन और एक नंबर करेंगे 180 डिग्री, यहां पे मैंने चेंज कर दिया 180 डिग्री। अब हम करेंगे तीन और एक नंबर, और एक नंबर, जैसे कि देख रहे हो मैंने यहां पे गलत एंगल कर दिया। ये हुआ है कनेक्ट और ये हुआ है डिसकनेक्ट। अभी हम करेंगे चैम्फर जो हमें पीछे से करना है। आपको यहां पे दो डॉयल पिन दिया, ऊपर एक डॉयल पिन दिया, तो हमें ये मैच करना है नीचे और ऊपर वाले डॉयल पिन में। तो हमें ये मैच करके डॉयल पिन को चैम्फर करना है। मैंने पहले किया एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और चार नंबर, और आपका 10 mm का एंड मिल रीग्राइंड हो चुका है जैसे कि आप देख रहे हो। मैं टू फ्लूट एंड मिल रिशापन कैसे करते हैं वो हम देखने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। ये एंड मिल रिशापनिंग मशीन है। इस मशीन में फ्रॉम 4 mm टू 20 mm तक एंड मिल रिशापन कर सकते हैं, और हम लोग टू फ्लूट एंड मिल रिशापन करने वाले हैं। सो दिस इज टू फ्लूट एंड मिल, ओके। ये 8 mm का एंड मिल है, ये कॉलेट चेक है। सबसे पहले आपको कॉलेट सिलेक्ट करना है 8 mm का। मशीन के साथ आपको ATM का कॉलेट मिलेगा, आपने ATM का कॉलेट सेलेक्ट किया, इसको इसके अंदर फिट किया, देन यू हैव टू पुट कॉलेट चक। उसके बाद ये जो सेटिंग फिक्सचर है जो हमने अभी दिखाया उसके ऊपर इसको रखना है। वन नंबर इट शुड बी इन फ्रंट। ये जो कॉलेट चक है इसके अंदर नंबरिंग दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, तो वन नंबर ये सामने की तरफ होना चाहिए दिस वन, ओके। अभी हम लोग 8 mm का एंड मिल इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने उसका डायमीटर सेट करना है। यहाँ पे 8 mm पे हम लोग ये जो स्टॉपर इट शुड बी ऑन 8 mm, तो हम लोग इसको 8 mm पे लेके आएंगे। ये जो लाइन है दिस इज 8 mm, तो हमने 8 mm पे लाया। उसके बाद हमने एंड मिल डाला और एंड मिल को उसके अंदर अच्छे से फिट करके क्लॉकवाइज उसको लॉक करना है। इस तरह से ये लॉक होता है। आपका एंड मिल 1 mm के साथ पैरेलल होना चाहिए। ये 1 mm है, इसके साथ ये एंड मिल पैरेलल है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू फ्लूट द फेस ऑफ द एंड मिल। तो फेस करने के लिए मशीन को हम ऑन करेंगे। ये एंड मिल का सबसे पहले नंबर वन इधर से डालेंगे, ऊपर की तरफ है वन नंबर, ये डालेंगे, इसको प्रेस करेंगे। जब तक आवाज़ आ रही है ग्राइंड हो रहा है, आवाज़ ख़त्म, ग्राइंडिंग डन। उसके बाद थ्री नंबर हम लोग वापस से इसको थ्री नंबर के साइड से प्रेस करेंगे। ये हमने किया फेस, ओके, फेस डन। उसके बाद हम लोग इसका फ्लूट बनाएंगे, रिलीफ क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे ये डिग्री दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले हम लोग जीरो करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। यहाँ पे मार्किंग दिया हुआ है, विल मेक इट जीरो। और उसके बाद अगेन वन नंबर की तरफ से हम इसको स्लॉट में डालेंगे। तो यहाँ पे वन नंबर है, इसको हम लोग इस तरह से रोटेट करेंगे,
वन नंबर यहाँ तक ये हो गया। उसके बाद तीन नंबर, अगेन विल डू द सेम प्रोसेस विथ थ्री नंबर, यहाँ से हम इसको डालेंगे और इसको यहाँ तक ले देंगे, ये हो गया। इसके बाद हम लोग इसको 90 डिग्री पे लाएंगे, और हम इसमें वन नंबर डालेंगे। दिस टाइम हम बीच में से लेफ्ट साइड में इसको रोटेट करेंगे इस तरह से, ये वन नंबर हो गया। नाउ सेम प्रोसेस थ्री नंबर पे करेंगे, ये हमने सेंटर से डाला और ये हमने चैम्फर क्रिएट किया। अभी हम लोग उसका फ्लूट प्रॉपर ग्राइंड करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग अगेन वन नंबर इसके साथ मैच करेंगे, उसके अंदर जो स्टॉपर दिया उसमें वन नंबर मैच करेंगे। प्रेस करना, उसके बाद थ्री नंबर, ये टू फ्लूट एंडमिल रिग्राइंड हो चुका है।